हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। तो इस वीडियो में हम देखने वाले मूवमेंट, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई ऑफ एंकल जॉइंट के बारे में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने देख लिया था लिगामेंट्स ऑफ एंकल जॉइंट। तो ओके, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने लिंक आई बटन पे रख दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ एंकल जॉइंट। देखिए, हमारे एंकल जॉइंट में सिर्फ दो ही मूवमेंट होती है। कौन कौन सी? पहले होता है डोर्सीफ्लेक्शन और दूसरी है हमारी प्लांटर फ्लेक्शन। तो चलिए देख लेते हैं कि डोर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन किस तरह से होता है। ओके, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सीफ्लेक्शन के बारे में। ओके, जो मूवमेंट है हमारी एंकल जॉइंट की। तो देखिए, अगर हम हमारे फ्रंट फुट को रेज करेंगे, ओके, इस तरह से ऊपर की ओर ले जाएंगे, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है हमारा डोर्सीफ्लेक्शन। और अगर हम नॉर्मल पोजीशन से हमारा जो फ्रंट फुट है, ओके, फोर फुट है, उसे अगर हम डाउनवर्ड्स की ओर ले जाए तो हमें मिलता है हमारा प्लांटर फ्लेक्शन। देखिए, डोर्सीफ्लेक्शन में क्या होता है? देखिए, ये हमारी नॉर्मल पोजीशन में इस तरह से एंगल होता है। अगर हम डोर्सीफ्लेक्शन करवाएंगे तो एंगल हमारा इस तरह से होता है। मतलब कि एंगल देखिए ना आप, देखिए तो एंगल देखिए यहाँ पे इतना था और यहाँ पे देखिए एंगल कम होता है। ओके, इसके बीच में डोर्सम ऑफ फुट और हमारी फ्रंट ऑफ लेग के बीच में। और अगर हम प्लांटर फ्लेक्शन की बात करें तो इसमें हमारा जो एंगल है वो बढ़ जाता है। ओके, तो देखिए ना इस तरह से एंगल हो जाता है। तो ये है हमारी नॉर्मल पोजिशन का एंगल। और अगर हम डोर्सीफ्लेक्शन करवाएंगे तो क्या होता है? दोनों के बीच में एंगल कम होता है और प्लांटर फ्लेक्शन में एंगल बढ़ जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारी मूवमेंट ऑफ दी एंकल जॉइंट के बारे में। ओके, तो चलिए आपने देख लिया ना कि डोर्सी फ्लेक्शन में क्या होता है, फोर फुट रेज्ड होता है और एंगल बिटवीन फ्रंट ऑफ लेग एंड डोर्सम ऑफ फुट क्या होता है? डिमिनिश, मतलब कि कम होता है। तो देखिए, जो डोर्सी फ्लेक्शन है वो हमारे एंकल जॉइंट की क्लोज्ड पैक पोजीशन है। उसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसी पोजीशन है जहाँ पे डिसलोकेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम कोग्रुएंस ऑफ जॉइंट सरफेस। तो किस तरह से इस क्लोज्ड पैक पोजीशन का फॉर्मेशन होता है तो वो देख लेते हैं। देखिए, वाइडर एंटीरियर ट्रोक्लियर सरफेस ऑफ टेलस फिट्स इंटू द लोअर एंड ऑफ नेरो पार्ट ऑफ द लोअर एंड ऑफ टीबिया। मतलब कि क्या होता है कि जो हमारी टेलस बोन होती है ना, उसकी जो एंटीरियर सरफेस होती है वो कैसी होती है? वाइडर होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी टीबिया है उसका जो लोअर एंड है वो क्या होता है, अच्छी तरह से फिट हो जाता है। ओके, देखिए यहाँ पे यह टेलस है, उसकी जो एंटीरियर सरफेस है वो वाइडर होती है। उसमें क्या होता है कि जो टीबिया का लोअर एंड है वो अच्छी तरह से फिट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, देर इज नो चांस ऑफ डिसलोकेशन ऑफ डोर्सीफ्लेक्शन। ये हो गया हमारा डोर्सीफ्लेक्शन के बारे में। ओके, एग्जाम में कई बार एमसीक्यू में पूछते हैं, क्या पूछते हैं, क्लोज्ड पैक पोजिशन ऑफ द एंकल जॉइंट, तो क्या होगी हमारी डोर्सीफ्लेक्शन आती है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं हम सेकंड प्लांटर फ्लेक्शन। यहाँ पे आपने देख लिया ना क्या होता है, फोर फुट डिप्रेस होता है और जो एंगल बिटवीन फ्रंट ऑफ लेग एंड डोर्सम ऑफ फुट है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो इसमें जो हमारी दो प्लांटर फ्लेक्शन है तो उसमें बोन की पोजीशन कैसी होती है वो हम देख लेते हैं। देखिए, नेरो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ट्रोक्लियर सरफेस ऑफ द टेलस loosely fits into the wider anterior parts of the lower end of tibia। मतलब कि क्या होता है कि जो टेलस बोन है वो उसकी जो पोस्टीरियर पार्ट है वो कैसी होती है, नेरो होती है। और वो किस में फिट होती है, तो कि हमारी जो टीबिया बोन है उसकी जो एंटीरियर, ओके, टीबिया बोन का जो एंटीरियर लोअर पार्ट है वो कैसा होता है, वाइड होता है। तो उसी की वजह से जो हमारी टेलस बोन है वो टीबिया में फिट होती है। ओके, और ये फिटिंग है जो ये जॉइंट फॉर्मेशन है वो कैसा होता है, लूजली लूज होता है। ओके, तो उसी की वजह से क्या होता है कि जो प्लांटर फ्लेक्शन है उसमें डिसलोकेशन हो सकता है। ओके, अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आपको पता होगा ना कि जो अमीर औरतें होती है वो क्या पहनती है, हाई हील्स पहनती है। तो वहाँ पे उसमें क्या होता है, डिसलोकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारी मूवमेंट ऑफ द एंकल जॉइंट।
अब हम बात करते हैं कि एंकल जॉइंट होता है हमारी, सॉरी एंकल जॉइंट की जो मूवमेंट होती है वो किस मसल से होती है। ओके, तो देखिए डोर्सी फ्लेक्शन है, उसको करवाने में प्रिंसिपल मसल कौन सा है? हमारा टिबियलिस एंटीरियर। ओके, और जो एसेसरी मसल है हमारे एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गस एंड पेरोनियस टर्सियस। ओके, अब देखते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। तो प्लांटर फ्लेक्शन के जो प्रिंसिपल मसल है वो कौन कौन से है? गैस्ट्रोक्नेमियस एंड सोलियस मसल। और जो उसके एसेसरी मसल्स है वो है हमारे प्लांटारिस, उसके बाद देखिए यहाँ पे एंटीरियरिस, तो यहाँ पे टिबियलिस पोस्टीरियरिस, ये एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, ये फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, और ये एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गस, और ये हमारी फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि इसको मसल प्रोड्यूसिंग द मूवमेंट ऑफ एंकल जॉइंट। ये हो गया मसल ऑफ एंकल जॉइंट के बारे में, ओके, जो उसकी मूवमेंट करवाते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द एंकल जॉइंट। तो यहाँ पे आपको याद रखनी है एंटीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी एंड पेरोनियल आर्टरी एंड वेन फॉलोज दिस आर्टरी। ओके, ये हो गई उसकी ब्लड सप्लाई। अब देखते हैं नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई में हमें क्या देखना है? एक होती है हमारी डीप पेरोनियल नर्व और एक है हमारी टिबियल नर्व जो एंकल जॉइंट को सप्लाई करती है। तो ये हो गया मूवमेंट, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई ऑफ द एंकल जॉइंट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, और अगर आपको इस वीडियो के चार्ज चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द एंकल जॉइंट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।